इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रॉस्पेक्टस, वेरी स्मॉल माइनर चेंजेस, वेरी वेरी स्मॉल, एक दो छोटे छोटे चेंजेस हैं। और उसके बाद शेयर कैपिटल में कुछ चार पांच चेंजेस हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो टू और थ्री चेंजेस इन द प्रॉस्पेक्टस, फोर फाइव चेंजेस इन द आई विल से चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल आफ्टर दैट। हाँ जी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट्स इन द चैप्टर ऑफ प्रॉस्पेक्टस, तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एक बड़ा सा थैंक यू बोल दीजिए। क्यों बोल दीजिए वो कारण बताता हूँ। सेक्शन 26 में बहुत कुछ डिलीट हो गया है, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6 डिलीट हो गया। तो पहले ऑलमोस्ट वो 10-12 पेज रूल 3, 4, 5, 6 पढ़ने में जाते थे, वो 12 पेजेस के आसपास आपका काम कम हो गया है। सेक्शन 26 में बहुत कुछ डिलीट करके सिर्फ क्या बोल दिया है, कॉन्टेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या रहेंगे, विल प्रॉस्पेक्टस में गिव दस विल इंफॉर्मेशन एंड विच इज सेट आउट, विल प्रॉस्पेक्टस शिल कंटेन द इंफॉर्मेशन एंड सेट आउट द रिपोर्ट्स ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सीजी। तो एक लाइन में सब खत्म कर दिया। अब आपको वो रट्टा नहीं मारना कुछ भी लंबा चौड़ा, विल की सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में जो बीच में 12 13 14 कंटेंट्स थे वो रट्टा नहीं मारना आपको। डोंट हैव टू रट्टोफाई, आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है प्रॉस्पेक्टस के बारे में। क्या याद करना है, दैट द कंटेंट्स ऑफ द प्रॉस्पेक्टस विल बी स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सीजी, फिनिश। अब सेबी ने जो स्पेसिफाई किया है वो सेबी रेगुलेशंस में है, वो सिक्योरिटी लॉ पेपर के लिए रेलिवेंट हो सकता है बट नॉट इन द कंपनी लॉ पेपर, नॉट इन द कंपनी लॉ पेपर राइट नाउ। और आईसीएसआई ने अभी तक वो सेबी ने जो स्पेसिफाई किया है उसको कंपनी लॉ के पेपर के लिए इंट्रोड्यूस किया नहीं है। तो योर लाइफ इज नाउ कंफर्टेबल। रूल 3 इसके साथ जो जुड़ा हुआ था सब कुछ, रूल 3, 4, 5, 6 इज एबॉलिश्ड। रूल 3, 4, 5, 6 इज एबॉलिश्ड, और कहने से आर एबॉलिश्ड, रूल्स 3, 4, 5, 6 आर एबॉलिश्ड। तो एक तो ये बहुत बड़ा चेंज हो गया, सिग्निफिकेंट चेंज, बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई हैं। देन प्रोवाइडेड दैट अनलेस अंटिल सेबी स्पेसिफाइज, जब तक सेबी कुछ स्पेसिफाई नहीं करता अंडर दिस सबसेक्शन द रेगुलेशंस ऑफ सेबी इन द सेबी एक्ट, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और द रिपोर्ट्स ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल अप्लाई। सेबी ने जो ऑलरेडी दे रखा है वही अप्लाई होता रहेगा। नीचे देयर इज नो चेंज, नो चेंज। सेक्शन 26(1)(c) पहले भी था, सेक्शन 26(1)(c) अब भी है, नथिंग हैज चेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ। 26(1)(a) में अमेंडमेंट हो गई, 26(1)(b) एबॉलिश्ड। और डिलीटेड 26(1)(a) में जो 14 कॉन्टेंट थे सब क्लॉज, बेसिकली सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में देर वॉज सब क्लॉज 1 to 14, वो सब एबॉलिश हो गया, वो सब एबॉलिश हो गया है। और 26(1)(b) एबॉलिश हो गया। 26(1)(c) रिमेन्स एज इट इज, नैश वर्सेज लिंडे हिस्टोरिकल केस पहले भी था आज भी है, नथिंग हैज चेंज। सेक्शन 33 पहले भी था आज भी है, नथिंग हैज चेंज। एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस, नथिंग हैज चेंज। सेक्शन 35 में चेंज हो गया है, सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। सिविल याद है, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इन प्रॉस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। क्रिमिनल लाइबिलिटी का मतलब तो वो सेक्शन 447, जेल जाइए, सेक्शन 447 हो जाता है अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी है। और सिविल लाइबिलिटी है तो सेक्शन 35 में आ जाइए। सिविल लाइबिलिटी का मतलब आपकी वजह से लाखों अलॉटीज को लॉस हुआ है, झूठी इंफॉर्मेशन दी थी प्रॉस्पेक्टस में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या प्रपोज डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स पर्सन हु ऑथराइज द प्रॉस्पेक्टस मे बी द कंपनी सेक्रेटरी, वेल ये सब लोग, और एक्सपर्ट जिसने बीच में अपनी एक्सपर्ट स्टेटमेंट दी है प्रॉस्पेक्टस में, ये सब लोग लायबल हैं कॉम्पनसेशन पे करने के लिए उन लाखों अलॉटीज को जिनको लॉस हुआ है फॉर ड्यू टू द मिस रिप्रेजेंटेशन प्रॉस्पेक्टस। तो उसमें तीन डिफेंसेस हुआ करते, वेल पहले दो थे अब तीसरा डिफेंस ऐड हो गया है, दिस इज अ न्यू डिफेंस विच इज एडेड।
और ये नया डिफेंस ऐड हो गया 9 फेब 2018, है तो वही कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, जिसकी वजह से वेल समथिंग न्यू हैज कम अप एंड वी आर सेइंग नो पर्सन शैल बी लायबल इन सबसेक्शन 1 इफ ही प्रूव्स दैट. पहले दो डिफेंस थे ए और बी, मैं कहूंगा ओल्ड है. और वो ओल्ड डिफेंसेस क्या थे, डायरेक्टर बोल रहे कि सर मैंने डायरेक्टर बनने की कंसेंट दी थी, प्रपोज डायरेक्टर था लेकिन मैंने तो अपनी कंसेंट ही विड्रॉ कर ली थी बिफोर द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, तो इसलिए प्रॉस्पेक्टस में कुछ झूठ लिखा है तो मैं लायबल नहीं हूँ. या फिर डायरेक्टर कहता है कि प्रॉस्पेक्टस वॉज इशूड विदाउट माई नॉलेज, मैं डायरेक्टर हूँ लेकिन प्रॉस्पेक्टस वॉज इशूड विदाउट माई नॉलेज, ऑल्टरनेट डायरेक्टर ने साइन कर दिया था, मैं तो इंडिया के बाहर था, ऑल्टरनेट डायरेक्टर ने साइन कर दिया था, वो लायबल है, मैं लायबल नहीं हूँ. ये तो डिफेंस पहले भी थे. अभी एक डिफेंस और मांग सकता है डायरेक्टर. डायरेक्टर कैन आस्क फॉर द डिफेंस कि प्रॉस्पेक्टस में जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट है विच इज परपोर्टेड टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट लायबल है और हमने उसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट के ऊपर ही हमने भरोसा करके अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर दिया था, तो हमने भरोसा किस पे किया था, एक्सपर्ट के ऊपर. तो हमने एक आउटसाइड एक्सपर्ट को हायर किया, एक आउटसाइड एजेंसी है और ये आउटसाइड एक्सपर्ट मे बी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्हाटएवर, मे बी एडवोकेट और कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. हमने उसकी सर्विसेज हायर की, उसको प्रोफेशनल फीस पे की, उसे एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सपर्ट स्टेटमेंट लिया, प्रॉस्पेक्टस में दिया और हमने उस एक्सपर्ट स्टेटमेंट को बेस बनाकर अपने ओपिनियंस बनाकर हमने भी प्रॉस्पेक्टस में डाले. तो हमारे जो ओपिनियंस गलत हैं, हमारे जिन ओपिनियंस में गड़बड़ी है, हमारे जिन ओपिनियंस में गड़बड़ी है वो इसलिए है क्योंकि एक्सपर्ट से जो स्टेटमेंट आई थी वो गलत आई थी, तो इसलिए उसके बेस पर हमने जो ओपिनियंस बनाए वो भी गलत बन गए. आई होप गेटिंग दिस. तो ये एक तीसरा नया डिफेंस ऐड हो गया और उस एक्सपर्ट ने, वेल रादर हम कह रहे हैं यहां पर ही का मतलब तो खैर डायरेक्टर है, डायरेक्टर कहता है मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड था ये मानने का कि वो जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट है, उसके पास डिग्री है, उसने जो स्टेटमेंट दी है वो सही दी है और उसने कंसेंट भी दी थी कि मेरी स्टेटमेंट को प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड किया जाए और उसने अपनी वो कंसेंट विड्रॉ नहीं की थी बिफोर फाइलिंग द प्रॉस्पेक्टस टू आरओसी, उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ भी नहीं की थी. एक्सपर्ट ने अपना एक्सपर्ट स्टेटमेंट भी दिया था, साथ में रिटर्न कंसेंट भी दी थी कि मेरी एक्सपर्ट स्टेटमेंट को प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करो और उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं की थी बिफोर फाइलिंग द प्रॉस्पेक्टस टू द आरओसी. एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यही बोल रहे हैं कि हमारी नॉलेज के हिसाब से एक्सपर्ट ने कंसेंट दी थी, विड्रॉ नहीं की थी और हमने उसी की स्टेटमेंट को तो बेस बनाया और उसी के बेस पे हमने अपना ओपिनियन बनाकर हमने भी प्रॉस्पेक्टस में दे दिया. तो एक झूठ के ऊपर दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड है तो वो इसलिए गलत हो गया. तो ये एक नया डिफेंस एड ऑन हो गया है. अब मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है. कंपनीज एक्ट 1956 में ये डिफेंस था, फिर कंपनीज एक्ट 2013 आया तो हटा लिया, अब कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया फिर से डाल दिया. तो इट इज़ हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, मतलब मुझे तो ये पुराने दिन याद आते हैं फिर, तो पहले भी तो यही हुआ करता था, फिर ये दोबारा रिपीट हो गया, वापस आ गया. तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आज जो आप देख रहे हो मेरे लिए कुछ नया नहीं है क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 में जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने तब भी ये पढ़ा था. नीचे देर इज नो चेंज, अनलिमिटेड लायबिलिटी वगैरह ये सब ओल्ड चल रहा है, देर इज नो चेंज, इट इज स्टिल गोइंग ऑन. तो बस सिविल लायबिलिटी में क्या फर्क आ गया है यहाँ पर कि पहले डिफेंस दो थे, अभी डिफेंस तीन हो गए हैं. सेक्शन 33 बीच में दिया जरूर है आपको बट देर इज नो चेंज, वो शायद गलती से कॉपी पेस्ट में रह गया बस. ये बताने के लिए एवरेज प्रॉस्पेक्टस में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है. बाकी प्रॉस्पेक्टस के चैप्टर में और कहीं कोई चेंज नहीं है. तो प्रॉस्पेक्टस के चैप्टर में बेसिकली दो चेंजेस का ध्यान रखिए. एक चेंज और हुआ है जो मेजर चेंज हुआ है, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, लेकिन ये चेंज हुआ है 7 अगस्त 2018 से. सेक्शन 42 तो पूरा ही चेंज कर दिया है, सेक्शन 42 पूरा का पूरा सेक्शन सब्स्टिट्यूट ही कर दिया, ओल्ड सेक्शन फिनिश, न्यू सेक्शन आ गया उसकी जगह पर.
लेकिन वो आज का ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा, दैट इज़ नॉट माई ऑब्जेक्टिव टुडे, और मुझे लगता है दिसंबर 18 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है, मतलब अगस्त 2018 में चेंज हुआ है तो ICSI को अप्लाई करना तो नहीं चाहिए। बाकी आपको मोटा मोटा बता दूं उसके अंदर दो तीन बातें हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, दो मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन्स, क्या बनाएंगे, लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन्स बनाएंगे जिनको फॉर्म पास फोर जाएगा। व्हाट इज दैट फॉर्म पास फोर? हाँ जी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, याद है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, अब उसका नाम भी चेंज कर दिया है, जो पहले प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर था उसका नाम कर दिया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म, तो जिसको आप पहले बोलते थे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, उसका नया नाम क्या हो गया है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म, पहले उसको PPOL बोलते थे, अभी PPOA, तो पूरा नाम प्राइवेट प्लेसमेंट, वो PP तो वही है प्राइवेट प्लेसमेंट, आगे ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म, तो बदल गया थोड़ा सा एक, और लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन्स बनाना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको फाइनली वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा। फिर आपको मालूम है जिसके नाम से दिया जाता है वही शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, वो किसी अपने फैमिली मेंबर को भी पास ऑन कर दे तो कोई और अप्लाई नहीं कर सकता, और जिसके नाम से दिया जाता है उसी के बैंक अकाउंट से चेक या डिमांड ड्राफ्ट आना चाहिए, किसी और के बैंक अकाउंट से भी चेक या डिमांड ड्राफ्ट नहीं आना चाहिए, एंड ऑल दैट रिमेन सेम। एक चेंज और जो हो गया लास्ट में, फॉर्म PAS 3 फाइल करने की टाइम लिमिट चेंज हो गई है, पहले कितनी थी, पहले 30 डेज था, अभी 15 डेज हो गया, तो PAS 3 फॉर्म करने की जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट बदल दी है। मोटा मोटा ये दो तीन चेंजेस जो आज शेयर करना चाहता था आपके साथ, मतलब उस चार्ट के अंदर जो चार्ट आपने या स्टेप्स कभी याद किए होंगे, लास्ट स्टेप में जाकर थोड़ा सा चेंज हो गया, द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग फॉर्म PAS 3 हैज चेंज, अदरवाइज पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम है, पूरा प्रोसीजर सेम ही है, बस बीच में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन्स बनानी है जिनको फॉर्म PAS 4 जाएगा, बाकी PAS 4 PAS 5 द लिस्ट ऑफ ऑफरीज, यू नो दैट PAS 5 द लिस्ट ऑफ ऑफरीज याद होगा सबको, PAS 5 इज सेम, PAS 4 का नाम चेंज हो गया, अभी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर नहीं बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म बोलेंगे।